हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक आप एंड तक बने रहना मेरे साथ में। लोकेशन का आपको आई थिंक टाइटल या थंबनेल से पता लग गया होगा। मेरे लिए बहुत न्यू जगह है क्योंकि मैं अभी तक जयपुर में इतने टाइम से रहती हूँ बट अभी तक गई नहीं हूँ किशनबाग। तो आई एम गोइंग टू किशनबाग विन, ओब्वियसली मैंने नेम ले ही लिया है। एंड या उसके लिए मैंने थोड़ा ट्रेडिशनल वे में रेडी हुई हूँ, लाइक ब्लैक स्मोकी आईज एंड बिंदीन झुमकाज एंड दिस लॉन्ग लॉन्ग कुर्ताज। लाइक मेरी ओटीडी आपको थोड़े देर में पता लग जाएगी। अभी मैं खुद से कैसे वीडियो का लाइक खुद से कैसे आउटफिट कम्प्लीट दिखाऊँ। लाइक दिस इज़ माई आउटफिट। एंड या मैंने कैब बुक करी है तो आई थिंक कैब आ चुकी है। बहुत जल्दी हूँ तो जल्दी से घर लॉक करते हैं एंड फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ जब मैं अपनी फ्रेंड से मिलूंगी। ठीक है, तो एंड तक बने रहना साथ में, बहुत मजे आएंगे। बहुत अच्छी जगह जयपुर की। अगर आप भी जयपुर से और अभी तक किशनबाग नहीं गए हो तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो तो आपको एंड में ही रिव्यू पता लगेगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। वैसे तो आज बहुत ज़्यादा धूप है, लाइक बहुत हार्श सन है। वहाँ जाने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, बट टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा, क्योंकि आज का मेरा ऑफिस का ऑफ है। वो भी लाइक सडनली ऑफ हुआ, मुझे सुबह ही पता लगा कि आज मेरा ऑफिस का ऑफ है। तो मैंने बस यूँ प्लान बना लिया कि नहीं ऑफ है तो दिन ख़राब नहीं करना है, घूम के आना है जाके। तो मैंने जस्ट मंशु को फ़ोन किया और बोला कि आज घूमने चले। एंड यस, ऐसे ही हमारा बहुत ही लाइक रैंडम प्लान बन गया है। सो या हम पहुंच चुके हैं किशनबाग और अभी तो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी पता नहीं अंदर जाके थोड़ी देर बाद बताते हैं। चलो चलते हैं। ये टिकट विंडो वाला एरिया है, यहीं से आपको टिकट मिलेगा। एंड ट्यूसडे को किशनबाग बंद रहता है। जो हमें भी लाइक टिकट विंडो है वहीं पे जाके लिखा हुआ था तो वहीं से पता लगा। अच्छा, हम लोग ट्यूसडे को नहीं थे क्योंकि हमें पता नहीं था ट्यूसडे को बंद रहता है। तो आप ध्यान रखना, ट्यूसडे को मत जाना, अदरवाइज आपको बंद ही मिलेगा। जयपुर में रहने के बावजूद हाँ, बहुत सुंदर जगह है गाइस। लाइक ऐसा फील हो रहा है कि हम कहाँ विजिट नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग भैंसों को देखने के बाद क्या लग रहा था, स्विट्जरलैंड की वादी। हाँ। नहीं ज्यादा हो गया, मतलब थोड़ी यूरोपियन फील आ रही थी। और अभी हम जैसे इस पथ पे चल रहे हैं ना, इसको पाथ ही बोल रखा है इन लोगों ने, ठीक है, तो उस पे भी ऐसा ही फील आ रहा है कि हम किसी लग्जरी प्लेस में है, किसी लग्जरी रिजोर्ट पर है। बहुत सुंदर है, सिर्फ 50 रुपए। हाँ, मजे आ गए। सामने से दिखाना चाहिए। हाँ, जस्ट अभी दिखाती हूँ मैं, कैमरा फ्लिप करती हूँ। चुम्बेश्वर प्लेस है। वीडियो कैसे बन रही है, क्योंकि मैं सिनेमैटिक मोड में वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरे तो नहीं बनता ऐसा। स्टार्टिंग में आपको ये बोर्ड मिल जाएगा, उससे आइडिया हो जाएगा आगे क्या क्या चीज़ें, लाइक कितने कितने डिस्टेंस पे आने वाला है, सब कुछ इधर मेंशन था। तो इसी से हमें लाइक थोड़ी सी गाइडेंस मिली थी कि कितने आगे तक जाना है। सो ये ज़रूर से इन्फॉर्मेटिव बोर्ड देख लेना एक बार। तू ब्लर हो रखी है क्योंकि मैं सिनेमैटिक मोड ऑन कर रखा है मैंने। सिनेमैटिक में ना आईफोन में बहुत अच्छे वीडियोस, मतलब कैसे कैमरे जैसे भी आराम से फिल्म हो सकते हैं। और अभी तक तो हाँ प्रोफेशनल वीडियोस बन सकते हैं। अभी ना वेदर बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी,
ऑफकोर्स अभी अभी धूप आ गई है, बट ये ठीक है, ये ऐसा वाला रहेगा कि नॉर्मल है, इतनी हार्श नहीं है, बियरेबल है, बियर कर सकते हैं ऐसा वाला वेदर। देखो यहाँ ना कुछ तो है, लाइक इसकी वॉइस सुनो आप अच्छे से, मतलब यहाँ ना आपको बहुत सारे क्या रेप्टाइल्स और ये सब मिल सकते हैं, और ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि ये बहुत डेंस है। अभी हम जैसे ही उधर से आए ना तो वो वापस से आवाज़ करने लग गया, बट जब हम वहाँ पे थे तब इतनी वॉइस नहीं आ रही थी। कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, आप 50 रुपये में पूरे दिन भी आप मस्त मजे कर सकते हो। मुझे आगे का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। है ना, एजुकेशन पर्पज से भी ये जगह बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बन रहे हैं। वापस से मेरे को वही वाली वॉइस आई, देयर इज समथिंग, हाँ देयर इज समथिंग, समथिंग हॉरर तो नहीं बट कोई ना कोई रेप्टाइल है, उसी की वॉइस आ रही है। यहाँ पे सब जगह ना ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी है। पाताल में बनी चट्टान रॉक्स फ्रॉम डीप डीप बिलो, ऐसे वाली रॉक्स होती है, मतलब बहुत सारा एजुकेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी यहाँ पे बोर्ड्स लग रहे हैं। तो ये जितने भी पत्थर है इन सब के बारे में ना आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। भी ना कोई रेप्टाइल है क्योंकि वो सेम ही आवाज़ आ रही है बार बार, कुछ भी हो सकता है वो, अभी इतना मेरे को आइडिया नहीं है। एंड रेडिएटर रॉक्स, दीज आर लाइक ब्लैक वंस। ये क्या है, डस्टबिन, इतना ना एस्थेटिक लाइक लुक वाला डस्टबिन है वुडन का, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक पूरी इस वाइब के साथ बिल्कुल मस्त आ रहा है। दिस ऑल आर द लोटस प्लांट का एक पॉन्ड था छोटा सा, और यहाँ पे ना बहुत सारे फिशेस भी है जो कि लाइक अपन मोबाइल को यू करके देखते ना तो दिख रही थी उधर बहुत सारी, मैं इतना कैप्चर नहीं कर पाई थी। बहुत ही प्रीटी सा लाइक लोकेशन था ये वाला भी। अभी ना हमें एक अंकल मिले थे यहीं के, गार्ड अंकल थे, वो बोल रहे थे यहाँ पे बहुत सारे रेप्टाइल्स है, सांप है ना, और क्या होता है गिरगिट, वो तो मैंने देखा था अभी, उसके अलावा गोरा और भी पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे थे, तो वो कभी भी निकलते रहते हैं, उन गार्ड अंकल ने बोला था। तो मेरे को तो कोई दिख भी नहीं रहा है उस वजह से ना हमें डर लग रहा है अभी, मतलब ऑब्वियसली यार हम लोग ऐसे में से तो आते नहीं है जो इन चीज़ों से डरेंगे नहीं, हमें डर लगता है इन सब चीज़ों से। लुक, हमारे पास दो ऑप्शन अभी, इधर वाला एंड ये वाला, तो अभी देखते हैं किधर हमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट या यूनिक मिलेगा, वो वाला डिसाइड करेंगे। और ये ना किशनबाग बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है, मेरी तरह गलती मत करना, हील्स पहन के मत आ जाना, चला नहीं जाएगा, वॉक करने में प्रॉब्लम होगी, ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर का होगा, इतनी वॉक करनी है हील पहन के। 2 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही है मृदु, 2 किलोमीटर से ज़्यादा होगा ना, हाँ बस इतना वॉक हील में, तो हील पहन के मत आना, शूज़ या फिर कंफर्टेबल कोई भी स्लीपर पहन के आना। मंशू सही रही, मंशू स्लीपर पहन के आई है तो काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं हील पहन के आ चुकी हूँ, तो बस ऐसा थमक थमक के चलना पड़ रहा है नहीं चाहते हुए भी। लुक एट द व्यू गाइस, जयपुर का इतना प्यारा सा व्यू आ रहा है ना यहाँ से, एंड जो ये वाला है ना वो पॉन्ड की तरफ जाता है,
पाथ एंड हम जो दूसरी वाली साइड है इधर की तरफ जा रहे हैं। पीछे ये वाली शेक है ना, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे अच्छी फोटोज एंड वीडियोस लिए हैं, वो आपको बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम आल्सो। एंड दिस इज माय छोटू सा पर्स, हाउ क्यूट इट इज। एंड है और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक कुछ पानी वाला सोर्स भी है, कुछ मतलब तालाब टाइप्स है, पॉन्ड बना हुआ है छोटा सा वहाँ पे, एंड रेत की टीले, सैंड ड्यून्स, ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे सैंड ड्यून्स भी है, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। एंड दिस प्लेस इज लुकिंग गॉर्जियस, लुक एट हियर। कैसे दिखाऊं, ये पूरी लेडर जा रही है और लेडर से फिर वहाँ पीछे तक जा रहा है, तो ये मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। सिनेमेटिक मोड से हटाती हूँ, नॉर्मली दिखाती हूँ मैं, बहुत मजा आ जाएंगे आपको। लेडर जयपुर आइट हो ना, तो मतलब डेफिनेटली आना ही आना है, इस जगह डेफिनेटली आना है लाइक। बट थोड़ा ये देख लेना कि सन इतना हार्श नहीं हो, अभी वैसे इतनी प्रॉब्लम हो नहीं रही हमें, क्योंकि बीच बीच में क्लाउड आ रहा है तो एडजस्टेबल है। बट जब एकदम क्लाउड होना तब तो ये जगह एकदम मस्त लगने वाली है। तो जब अच्छा मौसम हो, वेदर हो जयपुर में, तो डेफिनेटली कम विजिट टू दिस प्लेस, किशन बाग। ओके, है ना, खाने का भी होना चाहिए। पानी की फैसिलिटी तो थी, जो ऊपर वाली शेक दिखाई थी ना वहाँ पे थी, वो मैंने ऐसे वाले वीडियो में बोल दी थी, तो मिनी फ्रिज वाले सिस्टम था पानी के लिए, तो बट खाने के लिए भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। 5-10 रुपये ज़्यादा ले लो, बट यार प्लीज़ खाने की भी यहाँ पे कुछ ना कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करो, क्योंकि बहुत बड़ा है, भूख लगी जानी है इतनी दूर घूमते घूमते। फन फैक्ट बताया आपको, हम लोग दो दो ड्रेसेस और लेके आए थे, बट हम चेंज नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ चेंजिंग के ऑप्शन भी नहीं है। और जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी थी ना, वो यहाँ से थोड़ी दूर है, तो बस इतनी दूर जाके वापस ड्रेस ला के शूट नहीं करवा सकते, तो आप अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेस पहन के आओ। थैंक गॉड मैं अच्छी ड्रेस पहन के आई थी, बट यहाँ हम और भी ज़्यादा शूट करने का सोचे थे तो और भी ड्रेसेस लेके आए थे, बट यही है नहीं कर पाए। सो एंड मंशू से मैं आपकी बात करवाती हूँ। मंशू क्या बोलना चाहती है, लाइक और ड्रेसेस लाना चाहिए क्या साथ में? लानी तो चाहिए थी, लेकिन एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, सांस फूल रही है सांस। एक ही ड्रेस पहन के आओ, शूज पहन के आओ। हाँ, स्लीपर या शूज, बट ज़्यादा अच्छे शूज रहेंगे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैरी वाटर बॉटल, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यस, टू हाइड्रेट योरसेल्फ। या यहाँ ना हमें गार्ड अंकल नहीं, भैया ही बोल सकती हूँ, वो मिल गए थे, तो हमें ना सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे यहाँ पे, जो भी प्लांटेशन है एंड जो भी ये घास है उन सब के बारे में ही। तो उन्होंने खुद को रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया था, तो जब जस्ट मैं उनकी वॉइस रिकॉर्ड कर पाई थी, वो जो जो भी बता रहे थे वो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर पाई थी, तो वही सब आगे कंटिन्यू में होगा। यहाँ हम लेपर्ड के जो पंजे हैं उनके निशान हो रखे हैं, ये वाले, इनके बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे रात में आता है, मतलब डेली यहाँ, मतलब वो पानी की तलाश में आता है, उसके अलावा फिर वो जैसे भी रास्ते में कोई भी चीज मिलती है, तो पानी तो उनको नीचे ही मिल जाता है, पॉन्ड में मिलता है, बट वो खाने के लिए भी आ जाता है ना, कुछ ना कुछ मिल जाए। वो काटे हैं, देख रहे हैं, गौर से देखो एक बार, मतलब इस साइड ऊपर और नीचे, मतलब कोई भी चीज़ में जाती है तो फटके ही निकलती है। अच्छा, टेढ़े मेढ़े काटे हैं तो इनसे तो एनिमल्स को भी हार्म हो गई ना, बट इसको बकरी बहुत चाव से खाती है। काटे कैसे खा सकती है? अब जैसे वो बर्ड्स दिख रहा है, वो खंभे पे बैठा है। हाँ, पहचान सकते हो? नहीं, वाइट ईयर बुलबुल। हाँ हाँ, वाइट ईयर बुलबुल के उसके जो लेफ्ट साइड में कान के पास में एक वाइट कलर का निशान होगा। अच्छा, इसलिए वाइट ईयर बुलबुल।
और जो छोटी होती है इतनी इतनी सी जो इसके ऊपर बैठी रहती है, कभी देखा हो वो सिल्वर बिल होती है, वो एक्चुअली क्या सबसे ज़्यादा ग्रुप में होती है सैरी कॉस्ट्यूम। इसके अंदर सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई रहती है, कभी एक समय होता है जून जुलाई के आसपास, मतलब ये सब चीज़ लाइव हो जाएगी ना जून जुलाई में जब बारिश होने लगेगी इसमें। हाँ इसमें देखो बटरफ्लाईज है अभी भी, मतलब आप इसके सीजन में आओगे ना तब नेक्स्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा और बटरफ्लाईज भी बहुत सारी होगी। ये व्यू पॉइंट है, जैसे आप वाटर बॉडी ले जा सकते हैं तो वहाँ से व्यू देख सकते हैं, फोटो शूट कर सकते हैं। हाँ वैसा वाला ये वो वहाँ से भी दिख रहा था, जाना चाहो जा सकते हो। नहीं अभी तो जाके आ रहे हैं, अभी भी वीडियो बचा है क्या बनाने का। मजा तो खूब ही है मृदु जी। हाँ एक 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 आउटरो और शूट कर ही लेते हैं, बीच में एक तो कितना ही कर ही सकते हैं। मेरे को एवरी वीक छुट्टी नहीं मिलती, मेरा ऑफिस था आज उसकी ऑफ हो गई इसलिए मेरे मजे हो गए, बट मंशु बोल रही है एवरी वीक ऐसा कुछ प्लान करे। वैसे जयपुर में पॉसिबल है बट इतनी छुट्टी मुझे मिलती नहीं है यार। हाँ नाइट में ना जयपुर का जो जल महल वाला है ना उसका व्लॉग देखना है तो कमेंट डाउन करना, जल महल में नाइट मार्केट लगता है तो हम लोग वहाँ जाने का प्लान कर सकते हैं। और सांस देखो कैसे फूल रही है। ओके अभी हम लोग जो पीछे पोन दिख रहा है इधर जाके आए थे और अब शायद ये एंड है, मतलब ये धो रहे हैं इधर वाले ये सारे, तो इन पे पहले मिट्टी हुआ करती थी पर अभी ये कुछ घास फूस आ चुकी है तो इधर जाने कोई मतलब नहीं है। वहाँ तक भी लेडर्स जा रही है, उधर भी दिख रही है हमें, बट सन बहुत हार्स है और हम लोग एकदम डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं, थक गए, कुछ खाने पीने को चाहिए, तो हम लोग वापस अब किशन बाग से घर जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड डोंट डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि मोर अमेजिंग वीडियोज आ सके। ठीक है ये है मंशु की वॉइस। ओके गाइस सी यू सून, बाय।